हमारा गन मेटल ग्रे के लिए। और जो सबसे पहला इसके अंदर फॉल्ट आ रहा है, जिसको डिफेक्ट बोल सकते हैं, इसका कलर जो है चटक जा रहा है। अभी मैं यहाँ पर जैसा यहाँ नज़दीक से देख सकते हैं, और टैंकी में काफ़ी जगह है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे चटक जा रहा है और मतलब कुछ दिक्कतें हैं। सबसे पहले इसकी एक राइड ले लेता हूँ और राइड पे चलते चलते बात करते हैं कि क्या प्रॉब्लम और कैसे आ रही है। तो गाड़ी फ़िलहाल अभी 500 किलोमीटर चली है, ठीक है, और गाड़ी में बैठते हैं। बैठने के बाद जो पहला वर्जन आता है, एक बार मैं देख लेता हूँ कि कैसा, ठीक है, हाँ ये एंगल ठीक है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं गाड़ी को। स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करेंगे गाड़ी को पहले न्यूट्रल करें, न्यूट्रल करने के बाद ही इसको स्टार्ट करें, ठीक है। तो अच्छा हाँ, मैंने देखा है कि BS4 के अंदर स्टार्टिंग प्रॉब्लम नहीं है, कुछ गाड़ियों में नहीं है, और कुछ गाड़ियों में ऐसा है कि जिसके अंदर बैटरी का इशू आ रहा है, उस गाड़ी का बहुत जल्दी स्टार्टिंग की प्रॉब्लम आ जा रही है, क्योंकि बैटरी इसमें सक्सेस नहीं हो पाई है और इसके अंदर सिंगल हॉर्न कर दिया गया है। जो मतलब स्टार्टिंग के जो मॉडल थे गन मेटल ग्रे के, उसमें डबल हॉर्न था, उसके बाद सडनली उनको चेंज करा इन्होंने और इसके अंदर सिंगल स्पार्क कर दिया है। और अभी हाल ही में मेरे पास दो केस ऐसे आए हैं जो गन मेटल में एक्सीडेंट के हैं, गाड़ी के अंदर जो गाड़ी रपट जा रही है और उसके अंदर जो इशू आया सामने, मतलब जो रिजल्ट आया है वो आया है कि जो पिछले ब्रेक थे उसे अचानक से लेने पे ब्रेक लॉक हो जाते हैं, क्योंकि पैंडल के अंदर कोई ज़्यादा खास मूवमेंट नहीं है, बहुत हल्की सी चाल है, प्ले बोलते हैं उसको, हल्की सी प्ले है, और उसके अंदर एकदम ब्रेक लगाते ही एकदम टायर हमारा लॉक हो जा रहा है। चलाने में तो ठीक ही है, उतना खास मेरे को लगा नहीं कि BS3 और BS4 में जो पिकअप है ना, ये दिक्कत BS4 में कम है पिकअप, क्योंकि इसके अंदर जो साइलेंसर के अंदर कैटेलाइजर लगा दिए हैं, उसकी वजह से इसके अंदर पिकअप कम हो चुका है। मेरे को लगता है ऐसा कि पिकअप इसके अंदर कम है। आप लोग बताइए कि आपने गाड़ी को कितने तक का लगा रखा है और आपकी गाड़ी कितने का एवरेज सही दे रही है। बस देखिए 80 की स्पीड, के बाद थोड़ा सा डर लगने लग रहा है, क्योंकि थोड़ा ब्रेकिंग अभी उतना खास मज़ा नहीं आ रहा मेरे को, ब्रेकिंग के अंदर ब्रेकिंग उतना खास नहीं चल रही, पिकअप कम है, पिकअप का मामला थोड़ा सा डाउन हो चुका है। अगर आप इसका बैंड चेंज कर देते हैं तो पिकअप शायद थोड़ा बहुत बढ़ सकता है। और मतलब पिछला ब्रेक में उतना खास मज़ा नहीं आ रहा यार, रियली डिस ब्रेक लगाए इन्होंने, और जैसे कि हमारी थंडरबर्ड में पूरी टेक्नोलॉजी थंडरबर्ड की है, और जैसे कि मैं एक चीज़ सबसे मेन इशू बताता हूँ आपको, अगर हम थंडरबर्ड के अंदर जैसे सुबह सुबह के टाइम पे ब्रेक लेते हैं या क्लासिक में, तो इसके ब्रेक बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहे हैं। मैंने ये चीज़ नोटिस करी है कि हम पिछले ब्रेक मारते हैं तो चूँ चूँ आवाज़ करते हैं, जैसे पल्सर में आते थे, जैसे ब्रेक पैंडल में पानी चले जाता है ना ब्रेक सूप पे, सेम उसी टाइप के यहाँ पर साउंड चालू हो जा रही है। सो 100 की स्पीड, ब्रेक लेके थोड़ा सा डाउन, गाड़ी ठीक है यार, बस कुछ पॉइंट हैं जिस पर कंपनी ने भी काम करना चाहिए और जल्दी से जल्दी इसको इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, क्योंकि अगर इम्प्रूवमेंट नहीं होगा तो प्रॉब्लम बढ़ती ही जाएंगी, ठीक है। एक तो इशू ये रहा है कि ब्रेक से आवाज़ आने लगती है चूँ चूँ करके, और ब्रेक के अंदर पैंडल के अंदर थोड़ी इन्हें फ्री प्ले देनी चाहिए थी, और जो इसका पीछे का तवा है ना, जो प्लेट बोलते हैं डिस्प्लेट,
उसको इन्होंने चेंज करना चाहिए। मैंने देखा है KTM की जो प्लेट है उसके ब्रेक पिछले मारो तो बहुत अच्छे से काम करता है और रुक भी जाता है ब्रेक, पर यहाँ क्लासिक में ऐसा नहीं हो रहा है। तो ये तो रहा इसका पहला इशू। अब ये बात कर लेते हैं निकलने के बाद, इधर को इधर अभी जो BS4 में नई टेक्नोलॉजी है उसका गन मेटल गिरे में कुछ ड्रॉप पॉइंट है, वो मैं सोच रहा हूँ कि अगले नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। और क्योंकि जो BS4 में मिसिंग की प्रॉब्लम थी वो तो मेरे ख्याल से लगभग लगभग ख़त्म हो चुकी है, पर अभी जो कुछ और प्रॉब्लम है जिस पर काम करना चाहिए वो है फ्यूल टैंक, अगर फुल कर दो तो गाड़ी मिसिंग कर रही है, क्योंकि उसके अंदर जो पाइप वाला सिस्टम है उन्होंने शायद उस पर भी काम करना चाहिए, वो भी सही नहीं हो पाया है। चलाने में कंफर्टेबल है गाड़ी, इधर हाथ छोड़ के भी सीधी चल रही है, ऐसा नहीं है कि राइट या लेफ्ट भागे, जैसा स्टैंडर्ड है स्टैंडर्ड ज़्यादातर राइट साइड को भागती है, इसके अंदर फिलहाल तो ऐसा कोई इशू नहीं है। और देखिए ज़्यादातर लोगों की यही शिकायत RPM कम रखते हैं तो ये RPM मीटर माइनस में रहता है, तो थोड़ा सा इसका RPM बढ़ा दें, वो कहाँ से यहाँ से देखिए इतना बढ़ा दें कि ये लेवल में रहे बिल्कुल बीच में। तो यही था, अब मैं दिखाता हूँ आपको इसमें जो स्पोर्ट आ रहे हैं, ठीक है, पहला स्पोर्ट यहाँ पर आ रहा है और अगले पता नहीं कलर तो इन्होंने अच्छा बनाया पर ये कलर छूट जा रहा है, आई डोंट नो कैसे, कलर के पहले से बहुत काफ़ी सारे इशू हैं इसके अंदर। तो यही था फिलहाल, अब जल्दी इसका इंजन से रिलेटेड और BS4 से रिलेटेड इसका नेक्स्ट वीडियो आने वाला है। फिलहाल इसमें दो ड्रॉप पॉइंट है मैंने आपको बता दिया है और जल्दी आपको अगले सारे ड्रॉप पॉइंट और पूरा कवर करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलते हैं इससे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।